गन्ने का रस बहुत रिफ्रेशिंग होता है, हम इसे पीना बहुत पसंद करते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो ये मज़ा ही कुछ और हो जाता है गन्ने का रस पीने का। पर शायद आपको पता नहीं है कि गन्ने के रस रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सब बातों पर बात करूँगी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ इसको पीना चाहिए और कहाँ पर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहाँ पर हम इसको संभाल कर पीना चाहिए। और साथ में ये भी बताऊँगी कि जॉइंट इसमें हम गन्ने के रस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लैटिन नेम क्या होता है। इसका लैटिन नेम है सैक्हैरम ऑफिसिनेरम। इसको हम हिंदी में गन्ना बोलते हैं, इसको संस्कृत में इक्षु के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में हम इसको सुगर केन कहते हैं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। एक श्लोक में पढ़ती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इक्षुरो मधुरा मधुर विपाकः गुरुवः शीता स्निग्धा बल्यः वृष्या मूत्रला रक्त पित्त प्रश्मना कृमि कराश्चेति। मतलब यह रस में मधुर होता है। जब आपने गन्ने का रस पिया होगा, मीठा तो जरूर ही होता है। उसके बाद ये है कि ये जो इसके गुण हैं, जो इसकी क्वालिटी है, वो गुरु होती है और स्निग्ध होती है। मतलब थोड़ा सा हैवी होती है और बॉडी में स्निग्धता लाती है। इसका जो वीर्य है, पोटेंसी है, वो शीत है, ये ठंडा होता है। तो अब इन्हीं गुणों के कारण, इसके जो वीर्य है, इसके रस के कारण, ये हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त होता है उसको ये कम करता है और जो कफ है उसको ये बढ़ाता है। तो इन्हीं गुणों के कारण इसको जो है, हम जो पित्त के डिसऑर्डर्स हैं, जो जिसमें गर्मी लगती है, पसीना आता है, ब्लीडिंग होती है, एसिडिटी होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कफ के डिसऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे इसका सावधानी से यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये थोड़ा ठंडा होता है, इसकी वजह से ये जो हमारे शरीर है उसमें वात को बढ़ा भी सकता है अगर हम इसका ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करें। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि आपने गन्ने का रस ज़्यादा पी लिया है तो पेट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे गैस घूम रही है, पेट गुड़ गुड़ करने लगता है, भूख भी थोड़ी सी कम लग जाती है। तो हम पहले ये देखते हैं अब इसके बाद कि ये किन किन बीमारियों में, किन किन हेल्थ बेनिफिट्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है कि ये इसको हृदय कहा गया है। हृदय मतलब ये जो हार्ट है हमारा, उसके लिए टॉनिक की तरह काम करता है। तो जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही उनके लिए गुणकारी होगा, उनके हार्ट को अच्छा इफेक्ट देगा, उनकी पंपिंग एक्टिविटी अच्छी होगी। उसी तरह से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे नाक से खून निकल रहा है या बॉडी में कहीं से खून निकल रहा है, तो उसमें ये, क्योंकि ये शीत वीर्य है, ठंडा होता है, तो ये जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो जैसे नाक से खून निकल रहा है, तो अगर हम 2-3 बूंद अगर नाक में डाल दें ऐसे करके, तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी रुक जाती है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है गन्ने का रस निकाल के, उसमें अगर हम ताज़ा गन्ने का रस अगर डाल दें तो उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। आयुर्वेद में जो गन्ना है उसको सारक कहा गया है। सारक मीन्स ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, ये जो है बाउल को, मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है और जो हमारी कब्ज की दिक्कत है उसको ये ठीक करता है। तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये डाइजेशन में भी हमें हेल्प करता है। बट अगर हम इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो अति शीत होने के कारण ये जो है वात को बढ़ाएगा और पेट में जो है गैस की फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद ये है कि इसको वृष्या कहा गया है। श्लोक में आपने ध्यान से सुना होगा वृष्या। वृष्या मीन्स ये जो इम्पोटेंसी होती है, नपुंसकता होती है, कि कोई जो मेल है उसके शरीर में शुक्राणु की दिक्कत हो जाती है, कमी हो जाती है, सीमन जिसको हम कहते हैं, तो अगर वो इसका यूज़ करेगा तो जो उसके शरीर में शुक्राणु है तो वो बढ़ेंगे और जो प्रजनन क्षमता है, मीन्स कि जिसकी वजह से जो है संतान नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर स्त्रियां इसका यूज़ करें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो लैक्टेटिंग मदर हैं,
वो भी अगर इसका यूज़ करें तो ये स्तन्य जनन है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है, तो ये उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको मूत्रला कहा गया है। मूत्रला मीन्स यह जो है डायूरेटिक है, मतलब खून, ये जो यूरिन है उसको बढ़ाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है। तो जो जिसको भी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हैं या फिर यूरिन में इन्फेक्शन है, जिसको पेशाब में जलन हो रही है, रुक रुक के पेशाब आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। तो इसको जो है, जिसको यूरिन की दिक्कत है, किडनी प्रॉब्लम है, अगर वो एक ग्लास भर के जो है गन्ने का रस पिएगा तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह से अगर हम एक गिलास गन्ने के रस में 2-4 चम्मच आंवले का रस भी मिला दें तो उसमें भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, तो बहुत अच्छा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह से इसको बल्य कहा गया है, बल्य और ब्रहण आयुर्वेद में। बल्य मीन्स कि आपके शरीर में जो है आपको ताकत देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि धूप में हम जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें अगर हम इसको यूज़ करेंगे, गन्ने का रस पीते हैं, तो हमको एनर्जी आ जाती है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। तो कभी वीकनेस आ रही है, अगर हम गन्ने का रस पियेंगे तो हमें जो है अच्छी ताकत मिलती है। तो जैसे आजकल अब बाज़ार में बहुत सारे केमिकल्स वाले कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो केमिकल बेस हैं, आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपको बुरा इफ़ेक्ट दिखाएंगे। तो आप गन्ने का रस पीजिए, वो नेचुरल होता है, और आपको जो डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो रही है या वीकनेस आ रही है तो उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। फिर ये है कि ब्रहण होता है। ब्रहण मीन्स आपका जो है फैट को बढ़ाता है। तो जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जो दुबले पतले होते हैं, अगर वो इसका यूज़ करेगा तो उसमें भी इसको उसको थोड़ा सा मोटापा उसमें आएगा, क्योंकि ये जो है शरीर में कफ को बढ़ाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये कफ को बढ़ाता है। तो जो कफ होता है वो मेद से कोरिलेट होता है, तो अगर कफ बढ़ेगा तो ये जो है फैट को भी बढ़ाएगा। वैसे अगर हम देखें तो एक ग्लास जो हमारा हम गन्ने का रस पीते हैं उसमें 150 से 180 कैलोरी हमको मिलती है, बट इसमें फैट नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें फैट नहीं होता है, बट कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई जो मोटा है, जो मोटे लोग होते हैं, या फिर जो उनको ये दिक्कत कर सकता है कि मोटापा और बढ़ सकता है, तो जो पतले लोग हैं अगर वो मोटा होना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसमें जो हैं बहुत सारे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बहुत अच्छे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये हमें जो है जो हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी होती है तो उसमें भी अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो मीठा है हमारे दांत में दिक्कत कर सकता है, हम इसको लेंगे तो हमें कैविटीज़ वगैरह हो जाएंगी, बट इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है बहुत अच्छा पाया जाता है। तो जिनको दांतों की दिक्कत है या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसको ले सकते हैं। बट ये है कि आप जब इसको लें तो उसके बाद मतलब मुँह अच्छी तरह से माउथ वॉश कर ले, कि जिससे कि जो स्वीटनेस है वो चली जाए और कैविटीज़ वगैरह ना हो। बट ये देखा जाए तो कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत अच्छा होने के वजह से ये जो है टीथ और जो बोन की दिक्कत है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी मिलेगी, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो है एसिडिटी की दिक्कत में, मतलब क्योंकि ये पित्त शामक है, जो एसिड है उसको कम करता है, तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। तो खाने से पहले अगर हम एक ग्लास गन्ने का रूस ये जो है जूस ले लें तो बहुत अच्छा एंटासिड का काम करता है। तो हमें कोई एंटासिड बाहर से गोलियां या सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम दिखाता है। इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको जॉइंटिस में कैसे यूज़ करते हैं। जॉइंटिस में इसको रामबाण की तरह एक कहा गया है, कि जिसको जॉइंटिस की बीमारी होती है, जिसको पीलिया की दिक्कत होती है, अगर वो सुबह उठ के एक ग्लास गन्ने का जूस पिएगा खाली पेट कुछ दिनों तक लगातार, तो उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, उसका जॉइंटिस जो है अपने आप ही नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो खाली पेट इसका जूस का सेवन करना है। अगर आप जूस का सेवन नहीं करना चाहते हैं और अगर आप इसको रॉ फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो जो गन्ने का जो होता है स्टेम, उसकी जो छिक्कल होता है, जो बाहर का स्टेम वो होता है छिक्कल, उसको आप निकाल लीजिए। उसको निकाल के छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। फिर उसके बाद उसको रात में, अगर आपका एरिया जो है पॉल्यूशन फ्री है,
तो रात को जो है ओस में उसको खुला रख दीजिए। तो सुबह उठ के उसी गन्ने के जो टुकड़े आपने बनाए हैं उसको खाली पेट चूस लीजिए। तो वो खाली पेट अगर आप कुछ दिनों तक चू करेंगे तो बहुत अच्छा जो आपका जो पीलिया बढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह से कम हो जाएगा और कुछ किसी मेडिसिन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ जहाँ पे हमें जो है शुगर के इनका जो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम इसका थोड़ा सावधानी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम मैंने अभी बताया कि ये कफ को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाएगा तो जो भी कफ के जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि किसी को कोल्ड हो रखा है, खांसी हो रही है बलगम वाली, या फिर अस्थमा की दिक्कत है, या फिर जो शुगर के मरीज होते हैं, या फिर अगर आप देखें कि जो फैटी पर्संस होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, अगर वो लेंगे तो ये इन सब का जो डिजीज़ मैंने अभी बताई हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा उनको दिक्कत कर सकता है। तो इनमें उनको थोड़ा सा सावधानी से इसका यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने गन्ने के बारे में बताया कि गन्ना जो है कितना हमारे लिए रिफ़्रेशिंग होने के साथ साथ कितना यूज़फुल भी है। तो आप गन्ने का रस ज़रूर पीजिए। आजकल जो बाज़ार में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, केमिकल्स मिली हुई जो ड्रिंक आती हैं, उनको अवॉइड करिए। जो नेचुरल सोर्स है आपके जो डिहाइड्रेशन से जिससे आप बच सकते हैं और जिससे आपको अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं तो उसका आप यूज़ करिए। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।